ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज मैं आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ। देहरादून में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, एक घंटे से ऊपर हो गया इस वजह, और बहुत बड़े थे इनका साइज। और देखिए आप, ये धीरे धीरे गलते गलते भी अभी भी इनका साइज इतना है, तो कितने बड़े रहे होंगे और क्या हाल हो गया। और इन्हें देख के मुझे तुलसीदास जी की भी पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो रामायण में उन्होंने कही है कि दुष्ट लोग जो हैं वो ओलों के समान होते हैं, जिस फसल पे गिरते हैं उसे भी नष्ट कर देते हैं, स्वयं तो नष्ट हो ही जाते हैं। जैसे ये ओले अब खुद तो गल जाएंगे, पूरा बिछे हुए थे चादर की तरह। लेकिन मेरे फ़ोन में चार्जिंग ना होने की वजह से मुझे थोड़ा चार्ज करना पड़ा इसे, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं अभी आई हूँ। देखिए जहा सुमति वहा संपति नाना, जहा कुमति वहा विपति निधाना, जहा सुमति वहा संपति नाना, जहा कुमति वहा विपति निधाना। विपत्ति बन के आते दुष्ट लोग, तो हमारे जो मित्र हैं हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सज्जन हो। ये देखिए इन फूलों पे गिरे थे और ये देखिए क्या हाल हो गया, देखिए तहस नहस कर दिया। देखिए ये इतना सुंदर ये फूल है, इसका जो आगे का भाग है ऐसा लगता है जैसे ये देखिए चिड़िया ने चोंच खोल ली। ये देखिए एक गार्डनिंग चैनल में मैं देख रही थी, श्रीवास्तव है कहाँ है मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैंने कभी ख्याल नहीं किया था। हमें और चैनल्स देखने में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं, और उन्होंने दिखाए थे इस प्लांट के बारे में, बताया था कि ये इसका जो आगे का भाग है जैसे चिड़िया ने चोंच खोली हुई। और वाकई मैंने उस दिन फिर देखा था, लेकिन मैं इसकी बना नहीं पाई वीडियो। मैं आपको दिखाती हूँ कितना नुकसान किया है। और ये हमारे बरांडे में पीछे की साइड रखा था, मैं जान के इसे बाहर लाई हूँ ताकि आप देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर नहीं उनका पानी गिरा नहीं, ओले गिरे नहीं। ये फैंसी का हाल क्या हो गया, मुंह ही नीचे झुक गया पूरा। देखिए क्या हाल हो गया, पिटोनिया का हाल देखिए क्या हाल हो गया, ये क्या हाल हो गया। ये देखिए फैंसी क्या हाल हो गया इनका, ये रेनुप्लस, ये बिल्कुल गुलाब जैसे लगते हैं, क्या हाल हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने मित्रों का चयन जो है बहुत सोच विचार के और बहुत सज्जन मनुष्य को अपनी संगति में रखना चाहिए, ताकि वो हमारे हमें सही मार्ग पे ले जाएं, सही दिशा दें, हमारे दुख सुख में काम आ सकें, हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हमारा जीवन भी जो है वो ऊंचाइयों को और ऊंचाइयों को प्राप्त होए, न कि हम अधोगति को चले जाए। अगर हम दुर्जन मनुष्यों का साथ रखेंगे तो वो हमें अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे, उससे बुरे लक्षण आएंगे उनके हमारे साथ, क्योंकि जैसी संगति होती है मनुष्य वैसे ही बनता जाता है। अब मैं बीच बीच में बार बार नहीं बोलूंगी, आप सब जानते हैं धनिया वगैरह ये कसूरी मेथी देखिए क्या हाल हो गया, देखिए क्या हाल हो गया, तहस नहस हाल होता। मैं 15 दिन से बाहर ही थी, क्या हाल हो गया, सब गिर गए। और दुष्ट लोग जो है ना उनसे अगर हम मित्रता भी कर ले, और कितना अच्छा उनका हम करते जाएं बहुत अच्छी तरह हम उन्हें निभा रहे हैं, लेकिन वो हमें जरूर कुछ ना कुछ चोट जरूर पहुंचा के जाते हैं, क्योंकि वो स्वभाव से उनके अंदर दुष्टपना होता है, कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंचाएंगे। और जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनकी दोस्ती जो है उनसे अगर दुश्मनी भी हो जाए तो वो हमें कभी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, और हमारी कहीं निंदा नहीं करेंगे, कभी नहीं हम सुनेंगे। हम आम जीवन में भी देखते हैं हमारे कितने ऐसे लोग होते हैं कि हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि उसने कभी आपके लिए कुछ कहा ही नहीं ऐसा। और दुष्ट लोग जो होते हैं वो ढूंढ ढूंढ के सोचते हैं हम किसी को कैसे नीचा दिखाएं, और वो हम कैसे ढूंढेंगे जिनसे हम बुरी आदतें सीखते हैं, उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे, उसका मैं उपाय बताती हूँ आपका। अगर आप देख रहे हैं कि बीच में मैं एक मिनट छोड़ बात करनी बोल रही हूँ, वैजयंती माला का पौधा है,
ये कृष्ण भगवान पहनते थे वैजयंती माला। तो दुष्ट लोग जो हैं वो क्या करते हैं, निंदाएं करेंगे, कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, देख के जलन की भावना होगी बहुत, ऐसे करते हैं ऐसे। और जो सज्जन होते हैं वो कभी नहीं करेंगे ऐसे काम, वो फिर भी हमारे से चाहे हमारी उनकी बोल चाल बंद भी हो जाए तब भी वो हमारा भला ही चाहेंगे हमेशा, कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा बुरा करेंगे। और मुझे तुलसीदास जी की एक वो वाली पंक्ति भी याद आ रही है, उन्होंने अपनी रामायण में कहा है कि जो ओले होते हैं वो जिस फसल पे गिरते हैं उसे नष्ट कर देते हैं, स्वयं तो वो बर्बाद हो ही जाते हैं, गल जाते हैं, और जिस फसल पे गिरते हैं उसे भी नष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गिरे हैं, कैसे गिर गए ये सब, ये मूली के पौधे हैं, सब मूली है ये, लेकिन मैं यहाँ पे थी नहीं तो मूली तो निकालनी नहीं है, माली के अपने घर में लगे हुए हैं तो इसमें सींगरे लगते हैं जो होते हैं ना। और ये देखिए कैसे ऊपर ऊपर लगाए हुए, मैंने आपसे कहा था ना जो चीज ऊपर लगाए वो ऊपर ऊपर रहती, ज्यादा जड़ें नीचे रहनी चाहिए, ठीक नहीं लगाई थी शलगम, क्या हाल हो गया बाकी। गुलदावरी थी कटिंग कर दी थी और पौध निकलती इसमें से, देखिए क्या हाल हो गया। दुष्ट व्यक्ति ना वाकई बहुत बेकार है। तो बस इसकी पहचान मैं यही कहूंगी आपसे, आप ऐसे ही करेंगे इनकी पहचान कि अगर आप देख रहे हैं कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई पढ़ चुके हैं या कोई शादीशुदा भी हैं तो आप ये देखिए कि आपका जो मित्र है वो किसी और की गलतियां निकालने में लगा है क्या, वो किसी और को देख के जलन का भाव है इसके अंदर, किसी बहुत जलन हो रही है किसी को देख के, या किसी के लिए बुरा चाह रहा है इसका बुरा कैसे हो जाए, या किसी का अच्छा हुआ है तो उसे देख के उसे बहुत जड़ सी एक जो मस्ती कि ये कैसे हो रहा है इसके साथ ऐसा हो रहा है, और वो क्या किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश यानी कि किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, या उसके अंदर कोई गलत आते हैं कुछ होते हैं नशा वगैरह ये चीज़ें हैं, बहुत तरह की होती हैं गलत आते हैं, क्या ये तो नहीं है। अगर ऐसे हैं तो आप बिल्कुल भी उनका साथ ना पकड़ें, क्योंकि अगर आप चाहे कितना भी सोचें कि मैं नहीं करूँगा ऐसे काम या मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसका असर उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर आएगा। आप इसका मैं एक और उदाहरण आपको ये दूँगी, जब हम घर में सुबह पूजा करते हैं धूप जलाते हैं तो अगर हमने अगरबत्ती धूप जलाई तो कुछ अलग खुशबू है, अगर हमने घी का दीपक जलाया तो अलग खुशबू है, अगर हमने तेल का दिया जलाया है तो कुछ अलग ढंग की खुशबू है,